ठाकुरगंज में रहने वाले शाहरुख नाम के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। शाहरुख के घर वालों का आरोप है कि रामप्रसाद बिस्मिल कॉलेज की प्रजापति नाम की एक टीचर शाहरुख को मेंटली टॉर्चर करती थी। शिक्षक द्वारा लगातार शाहरुख को करियर बर्बाद करने की धमकी दी जा रही थी। वहीं शाहरुख की किताब में से एक लेटर भी प्राप्त हुआ है, जिसमें शाहरुख ने साफ साफ लिखा है कि प्रजापति नाम के शिक्षक मुझे मेंटली टॉर्चर करते हैं और करियर खराब करने की धमकी भी लगातार देते हैं। वहीं शाहरुख की मां ने ठाकुरगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की है और ना ही अभी तक किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी की है। क्योंकि हमारा बेटा बिना बताए घर से चला गया था, काफी देर हो गई और क्योंकि वो इतना टेंशन हाई था तो हम उसको जो है ढूंढवाते रहे सबसे, और इधर उधर तो हमने फिर कॉल करी प्रजापति सर को, उन्होंने उस कॉल को रिसीव नहीं करी। तो फिर वहाँ तो हमने उनको कॉल करी तो उन्होंने कहा कि ठीक है परेशान ना होइए, आ ही जाएगा वो अभी, तो थोड़ी देर बाद हुआ। यानी कि मौत के बाद भी आपके मुंह से पता चला था कि जो है उन्होंने फोन किया था? हाँ, वो जिस दिन उसकी डेथ हुई है तो उसी दिन संडे को उसकी डेथ हुई मॉर्निंग में उसने सुसाइड किया। उसके बाद उनकी मिस कॉल हमने देखी, हमने तो अपना फ़ोन ऑन देखा ही नहीं था, तो जब हमने फ़ोन देखा तो हमने देखा कि प्रजापति सर की मिस कॉल पड़ी हुई है 4:52।